प्यार में 7 जन्मों का साथ चाहिए, रिश्तों में जन्म जन्मांतर का सपोर्ट चाहिए, विवाह में 7 फेरों का आदर सम्मान चाहिए। रिश्ते निभाने की हिम्मत कहाँ है लोगों में, सब छोड़कर चले जाते हैं, सब धोखा देते हैं, सब लोग गलत करते हैं, सब फरेबी हैं भाई। दुनिया में सच्चे प्यार में हमेशा नुकसान पहुंचता है। अगर ये सब बातें तुम्हें भी लगती है ना, तो सिर्फ 7 बार ये बोल दो, वैसा ही होगा जैसा सपनों में सोचा होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सच पूछो आपको जिताया जाता है। शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां हर रिश्ते को, हर नाते को, हर संबंध को नजदीकी से देखा जाता है। शादी होने में दिक्कत हो, शादी चलने में दिक्कत हो, शादी के बाद दिक्कत हो, प्यार में दिक्कत हो, रिलेशनशिप में दिक्कत हो, शादी किसी और से हो रही हो, किसी और से होने जा रही हो, किसी और से हो गई हो, सिचुएशन कैसी भी हो, विवाह की हर परिस्थिति को, हर एंगल को हम बाखूबी तुम्हारी नजरिए से देखते हैं और तुम्हें जिताने की पूरी कोशिश करते हैं और जिताते हैं। जिताते हैं किसको? हम पिछले 20-21 सालों में जितने लोगों को जिता चुके उनकी संख्या 21 लाख है। और यहां का सक्सेस रेट, 100 लोग आते हैं तो कितने ठीक हो जाते होंगे? 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50? नहीं, यहां पर 100 में से 95% प्लस है। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और यह सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। रिसर्च करने वाले विद्वान 4000 हैं। हर एक व्यवस्था पर पूरी विस्तृत तरीके से रिसर्च होकर के आपको सीधा सरल उपाय बताया जाता है। आज मैं कह रहा हूं, 7 जन्मों का साथ चाहते हो क्या? 7 जन्मों तक अपनाना चाहते हो क्या? जन्म जन्मांतर का प्रेम चाहते हो क्या? हर जन्म में प्रेम में रहना चाहते हो क्या? अपने पार्टनर को जीवंत कर लेना चाहते हो क्या? क्या धोखे में हो, फरेब में हो? क्या तुम्हारा रिश्ता सच में ठीक नहीं है? इन सब बातों का जवाब आपको आज मिल रहा है। मैं कह रहा हूं, ये शब्द 7 बार बोलिए, आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। ये शब्द 7 बार बोलिए, 7 जन्मों तक वो छोड़कर जा नहीं पाएगा। ये शब्द 7 बार बोलना है, फिर वो रिश्ता, वो संबंध, वो प्यार तुम्हारी मुट्ठी में होगा। ये शब्द 7 बार बोल दीजिए, फिर हर स्थिति आपके पक्ष में होगी। 7 जन्मों तक, 7 पहरों तक, 7 लोकों तक तुम ही तुम होगे। वेद कहता है, अतल बितल सतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक, ये 7 प्रकार के लोक हैं। 7 लोकों में कोई है नहीं जो तुम्हें अलग कर सके। जानिए, वो पूरा विश्लेषण बता रहा हूं, सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। अब आप उसके पहले अपने बीच का एक अनुभव सुन लीजिए। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस हालत में आपके पास आई थी, मेरी तो जिंदगी ही रुक गई थी। तो आपके पास आने के बाद आपने जो जो मेरे को करने को बोला है गुरुजी, उससे मेरी नेगेटिविटी, डर, भ्रम, हेल्थ सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, और मेरी दिनचर्या और रात को सोना वो भी सारा कुछ ठीक हो चुका है। गुरुजी, इन सारी चीज़ों के लिए तो मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आई थी वो तो मेरे को पूरा विश्वास हो चुका है कि वो भी ठीक हो ही जाएगी। इन सारी चीज़ों की भी मेरे को जरूरत थी, ये तो मेरे को पता भी नहीं था, और आपकी कृपा से ये सारी सारी चीज़ें मेरी ठीक हो चुकी हैं। हमने ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है और मेरे चेहरे पे हंसी वापस आ गई है। इन सारी चीज़ों के लिए आपका मेरे तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम है आपको और धन्यवाद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश, बहुत आशीर्वाद। आप खूब खुश रहिए, खूब बेहतर रहने की कोशिश करिए। जीवन में बेहतरी का साधन कहीं और से नहीं आता, तुम्हारे अंदर से आता है। प्यार पाने के लिए तुम्हारे अंदर स्वयं में प्रेम चाहिए पहले,
तुम्हारा हर एक रोम रोम स्पंदित होना चाहिए प्रेम से, तुम्हें बहुत आंतरिक रूप से सुगंधित होना चाहिए, सुसंपन्न होना चाहिए सौंदर्यता से, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य रत्न और सुसज्जित रहना, ये शायद प्रेम के वो दरवाजे हैं जिनका रास्ता सीधा प्रेम नगर में पहुंचता है। प्रेम को प्रेम से खींचा जा सकता है, प्रेम को प्रेम से पाया जा सकता है। जब प्रेम ही नहीं होगा जीवन में तो तुम प्यार को कैसे पाना चाहते हो? तुम प्यार को पाना चाहते हो रुष्टता के साथ, ईर्ष्या और द्वेष के साथ। तुम प्रेम को पाना चाहते हो रोने के साथ, दुखी होने के साथ, अपने को परेशान करके। तुम प्रेम को पाना चाहते हो सामने वाले की कमियां निकाल करके। तुम प्रेम को पाना चाहते हो किसी दूसरे के जैसा बना करके। तुम प्रेम में प्रेम नहीं ढूंढते, तुम प्रेम में स्टेटस ढूंढने लगते हो। तुम प्रेम में कहीं ना कहीं औपचारिकता ढूंढने लगते हो। ध्यान से समझना, सब्जियों का टेस्ट मसालों से आता है, सब्जी से नहीं। भोजन में टेस्ट आग की वजह से नहीं आता, बनाने वाले की कला की वजह से आता है, ध्यान रखना। जब तुम बारीक चीज समझने की कोशिश करोगे तो तुम जीत जाओगे। तुम्हारी रुष्टता और तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी एंजाइटी तुम्हें नष्ट कर रही है। किसी की पवित्रता, किसी का सीधापन, किसी की ईमानदारी का सम्मान करना प्रेम में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट व्यवस्था है। ये इससे बड़ा कुछ नहीं है। तुम डगमगाते हो कहीं ना कहीं उन सब चीजों में। तुम एक चीज से भागकर दूसरी चीज पाना चाहते हो, बस गड़बड़ है। भागकर नहीं, तरीके से पाइए ना, मना कौन करता है। तुम जो करना चाहते हो वो सब संभव है, तरीका गलत है। और कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें बताकर इतनी सी बात बता रहा हूं। खैर, फिर समझाएंगे कभी इस बारे में, विस्तृत चर्चा करेंगे। सीधा उपाय बता रहे हैं वो कौन सा शब्द मंत्र है जिससे तुम 7 जन्मों के लिए उसे पा सकते हो। अतल, बितल, सुतल, तलातल, रहा शशातल, महातल, पाताल लोक, ये 7 लोक हैं। 7 स्वर हैं, 7 व्यंजन हैं, 7 रंग हैं, 7 दिन हैं, प्रमुख 7 ही ग्रह हैं, 7 चक्र हैं। आपको आज वो अलौकिक शब्द बता रहा हूं जो 7ों चक्रों को एक साथ बेहतर बनाता है। एक ऐसा शब्द बता रहा हूं जिसे बोलने के बाद आप हर हाल में उन्हें पालेंगे। अब आपको इस शब्द को बोलने के लिए अपनी रिंग फिंगर को आपस में फंसा लेना है। रिंग फिंगर क्यों? अनामिका की बात कर रहा हूं, इस उंगली की। इसको क्यों, इस उंगली को क्यों फंसाना है आपस में? क्योंकि यही उंगली है जो सीधा आपके हार्ट पर जाकर आपके कनेक्शन को मेंटेन करती है। इसीलिए इसमें रिंग फिंगर में एंगेजमेंट कराई जाती है, क्योंकि ये उंगली हृदय की उंगली है, दिल की उंगली है। इसको आपस में फंसा लीजिए। फंसाने के बाद अब आपको वो आपस में ऐसे बांध लीजिए। बांधने के बाद आपको वो शब्द बता रहा हूं जिसे आपको 7 बार कहना है, उसे ध्यान से समझ कर करना। ओम कृष्णाय बल्लभाय, जानकी बल्लभाय च। अब देखो, आपको 2 युगों का सम्मिश्रण शब्द है, कृष्णाय वल्लभाय, जानकी वल्लभाय। ये शब्द जो हमने बोला है इसको आपको रिपीट करना है 7 बार और बस प्रणाम कर लेना है।
ये आप जब भी करें सुबह दोपहर शाम स्नान करके ही करिएगा, क्योंकि ये महामंत्र है, ये वेद मंत्र है, ये बांधने की बात करता है, ये दो लोगों को एक करने की बात करता है, ये समन्वय की बात करता है, ये वियोग को संयोग में परिणित करने की बात करता है। ये मंत्र कहता है कि तुम एक हो जाओ, ये मंत्र कहता है तुम हमेशा के लिए एक बन जाओ, ये मंत्र कहता है अब किसी के मत होना, अब सिर्फ तुम उनके हो जाओ। तो समझ कर मन से श्रद्धा से करना, विश्वास के साथ करना, तुम जीत जाओगे। श्रद्धा विश्वास तो रखनी होती, गुरु की भक्ति तो चाहिए होती, गुरु के चरणों में अनुराग के बगैर दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ध्यान से समझना, उपाय से ज्यादा गुरु भक्ति, गुरु का आदेश काम करता है, गुरु का कहना काम करता है, उसकी भक्ति और उसकी शक्ति और उसकी तपस्या काम करती है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। जितना तुम खुद का ख्याल रखोगे उतनी जल्दी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं सोचना, नेगेटिव थिंकिंग बाहर निकाल के रख दीजिए। तुम जीतने वाले हो, तुम्हारी हर वो चीज होने वाली है जो तुम चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, वो सब दिया जा रहा है तुम्हें। बस लेने की क्षमता प्रदान करो, लेने की क्षमता को गेन करो, ग्रहण करो, बस तुम जीत जाओगे। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।